हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है अबाउट द सेकंड जनरेशन 2022 KTM RC390 एंड RC200। RC390 इज वन ऑफ माय फेवरेट बाइक, इट लुक्स वेरी अमेजिंग एंड इसका इंजन बहुत ही अग्रेसिव है। लास्ट ईयर से ही हमें KTM के ड्यूक लाइनअप में अपडेट देखने में मिल गए थे। सबसे पहले ड्यूक 125 का अपडेट आया था, उसके बाद ड्यूक 250 का अपडेट आया था, जो देखने में दोनों ही बेहतरीन लगती थी। एंड अब फाइनली हमें RC लाइनअप में भी अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अपडेट जो हमें देखने को मिलेगा वो है RC390 में। और मैं बता दूं, RC390 एंड RC200 ये दोनों लॉन्च हो जाएगी जुलाई से अगस्त तक। इसके अनऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट हो गई है एंड अगर आप इसे बुक करना चाहते हैं तो इसकी अमाउंट आपको 10,000 देनी पड़ेगी। शोरूम पे कॉल करके आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं और अनऑफिशियल बुकिंग चालू हो गई है बट ऑफिशियली अभी स्टार्ट नहीं हुई। वाले दिनों में हमें ये देखने को मिल सकता है कि ऑफिशियली भी चालू हो जाए। न्यू जेन RC390 में हमें न्यू LED हेडलैम्प देखने को मिल सकते हैं। ये स्पाई शॉट है तो मैं इन्फॉर्मेशन को कंफर्म अभी नहीं कर सकता, जब शोरूम पे आएगी तब देख लेंगे। बाकी अभी जो भी स्पाई शॉट्स हमें देखने को मिलता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। हमें इंडिकेटर फ्रंट में ही मिलेंगे, फेयरिंग पे, रियर व्यू मिरर पे नहीं मिलेंगे। ये एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी है क्योंकि देखने में उतना अच्छा लग नहीं रहा, बट अगर हम बात करें इसके मेंटेनेंस की, रिप्लेसमेंट की, तो ये आपको चीप पड़ेगा। पहले RC390 के अगर रियर व्यू मिरर को चेंज कराना है तो वो एक्सपेंसिव हो जाता था क्योंकि उसमें आपको इंडिकेटर्स भी देखने को मिलते थे तो साथ में पूरा सेटअप चेंज होता था। आप सिर्फ मिरर चेंज करवाएंगे मान लीजिए अगर टूट गया तो कन्वीनियंट रहेगा थोड़ा सा। साथ ही में आपको डिफरेंट टाइप के LED DRL भी देखने को मिलेंगे जो फ्रंट में ही आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं ये किसकी तरह लग रही है तो मुझे ये 1290 एडवेंचर की तरह देखने में लग रही है एंड टू बी ऑनेस्ट इट लुक्स शिट। साइड से इसकी फेयरिंग देखें तो अब ये और ज़्यादा बल्कि हो गई है। इसके अर्गोनॉमिक्स में भी आपको अपडेट देखने में मिलेगा। अभी ये ज़्यादा टूरिंग फ्रेंडली बाइक हो चुकी है विद इट्स कंफर्टेबल सीट्स फॉर पिलियन एंड राइडर। मैं बहुत खुश हूँ इसमें पिलियन और राइडर के लिए। आपको कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन देखने को मिल रही है, पहले बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। और यहाँ पे आपको पहले जैसा अग्रेसिव हैंडल बार नहीं देखने को मिलेगा, अब ये थोड़ा सा अपराइट हो गया है और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। आप स्पाई शॉट में देख सकते हैं जो राइडर है वो ज़्यादा नीचे बैठा हुआ है तो पहले जैसे अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन नहीं है। साथ ही में इसके जो फुट पैक्स हैं वो भी अब ज़्यादा अग्रेसिवली सेट नहीं है, थोड़े कम अग्रेसिवली सेट हैं ये। और इससे इसकी टूरिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी जिससे आप इससे दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे। सेल्स वाइज देखें तो इसकी सेल्स इससे बढ़ सकती है क्योंकि इसकी सिटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है। बट एज अ राइडर मैं बात करूं तो मुझे इसकी एग्रेसिव पोजिशनिंग ही काफ़ी पसंद थी क्योंकि इससे बाइक पे इसका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट अब क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो किसने डिमांड करी थी इसके, बट अब जो भी है ऐसा ही है। फ्यूल टैंक भी आपको इसमें बड़ा देखने में मिलेगा, जैसे पिक्स में आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा इसमें फ्यूल टैंक है जिससे इसकी जो टूरिंग रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे टेल लाइट की बात करें तो आपको न्यू LED टेल लाइट देखने को मिलेगी विच लुक्स वेरी गुड, पहले भी काफ़ी अच्छी लगती थी अब भी अच्छी लग रही है। एंड इन सम पिक्चर्स यू कैन सी यहाँ पे आपको अपडेटेड अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब 5 spokes वाले। और जो फाइनल जो पिक्चर आई है जो लीक हुई है उसमें भी आपको 5 spokes वाले ही अलॉय देखने को मिलते हैं। एंड द फाइनल अपडेट विच इज द ओनली अपडेट आई लाइक इन RC390 इज द न्यू TFT डिस्प्ले। जो ड्यूक 390 में हमें डिस्प्ले मिलती थी वही सेम डिस्प्ले अब हमें RC390 में देखने को मिलेगी जिससे आपको कनेक्टिविटी के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इस बाइक में। साथ ही में आपको इसमें क्विक शिफ्टर प्लस और ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल सकता है जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है मेरे हिसाब से। RC200 में आपको LCD डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी, पहले से अपडेटेड रहेगी बट आपको वो LCD ही मिलेगी। और इंजन की बात करें तो आपको इंजन दोनों ही बाइक में सेम ही मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया इंजन है, बस रिफाइनमेंट लेवल और वाइब्रेशन थोड़ी कम हो जाए। जैसे रिफाइनमेंट लेवल बढ़ जाए और वाइब्रेशन कम हो जाए तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। बाकी तो इंजन में कोई दिक्कत है ही नहीं, बस टॉप स्पीड पे जो इनने लिमिट लगा रखी है वो हटा दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि दूसरी कंपनी वाले बहुत बेइज्जती करते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। ठीक है, प्राइसिंग की बात कर लें तो RC200 आपको 2,15,000 की पड़ेगी और यहीं पे बात करें RC390 की तो वो आपको पड़ेगी 2,81,00,000 की एक्स शोरूम। ये एक्स शोरूम प्राइस है, जब ऑन रोड लेंगे तो आपको मतलब 20,000-30,000 रुपये एक्स्ट्रा मान के ही चलिए। और इन दोनों बाइक के अनऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट हो गई है, आप शोरूम पर कॉल करके बुक कर सकते हैं, 10,000 रुपये में आप इसे बुक कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल बुकिंग भी कुछ दिनों में स्टार्ट हो ही जाएगी। एंड इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी ये बाइक। सच बताओ मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, पहले वाली ही ज़्यादा अग्रेसिव लगती थी, अब ये ज़्यादा बल्की हो गई है और मतलब टूरिंग जैसी हो गई है तो उतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी नहीं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एडम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।